good morning students today i will discuss about balancing of chemical reactions first you have to see some questions related to balancing of chemical reactions then i will solve each questions one by one

ओनली वन आइटम ऑफ सोडियम सो वी हैव टू पुट फोर इन फ्रंट ऑफ एन ए नाउ फोर एन ए प्लस ओर टू गिव्स टू एन ए टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज़ फोर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज़ टू टू या फोर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो टू हियर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पी बी ओ प्लस सी गिव्स पी बी प्लस सी ओ इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड थर्ड यफ ई टू ओ थ्री प्लस ए एल गिवस ए एल टू ओ थ्री प्लस एफ ई इट मीन्स वी हैव टू सी दिस इज यफी ओनली वन आइटम ऑफ आयरन बट हियर एटम्स ऑफ आयरन इज टू सो वी हैव टू पुट टू इन फ्रंट ऑफ एफ ई Then we have to see there is two atoms of ammonium, but here is only one atom of ammonium. So we have to put here two. Question number 4 Yes, S2S plus O2 gives yes 20 plus SO2. So we have to see on both side there is two atoms of oxygen. बट हियर इज टू वन थ्री आइटम ऑफ ऑक्सीजन देन वी हैव टू सी टू थ्री एटम्स टू ऑक्सीजन टू थ्री जिक्स वी हैव टू पुट थ्री इन फ्रंट ऑफ ओ टू देन इट बिकम्स थ्री इन टू टू सिक्स ऑक्सीजन ऐटम टू टू ज फोर आइटम ऑफ ऑक्सीजन टू आइटम ऑक्सीजन टू प्लस फोर सिक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड विल इक्वल टू फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन फोर एटम ऑफ हाइड्रोजन सल्फर इज आल्सो बैलेंस नाउ वी हैव टू सी के प्लस एस टू गिव्स के ओ एच प्लस एस टू फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हियर नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज टू हियर इज थ्री देन वी हैव टू बैलेंस इट। वेन वी पुट इज हियर टू देन वी गेट फोर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन यहाँ पर है यहाँ टू लगा देंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन हो गए फोर हाइड्रोजन हो गए यहां पर टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू टू जब फोर एटम ऑफ हाइड्रोजन टू एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस टू एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज फोर एटम ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम के दो एटम है पोटेशियम के दो एटम है यानी वी हैव टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड फर्स्ट वी हैव टू सी ऑन बोथ साइड व्हिच एलिमेंट हैव अनबैलेंस नंबर ऑफ

यर हाइड्रोजन आइटम इज टू बट हियर हाइड्रोजन आइटम इज टू एच एंड ओ एस टाइस दो हाइड्रोजन यहाँ पर है चार हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं जबकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे तो टू लगाना पड़ा यहाँ पर टू लगाने से फोर हाइड्रोजन हो गए टू एच प्लस टू ओ एच रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे टू एस टू ओ डियर स्टूडेंट्स एन एच रिएक्ट विथ एस टू एस टू फोर देन एन ए टू एसो फोर प्लस एस टू वी कैन सी हियर हियर इज टू एटम ऑफ सोडियम एटम हियर इज ओनली वन सोडियम ऐटम सो वी हैव टू पुट हियर टू इन फ्रंट ऑफ एन एच सोडियम विल बी बैलेंस बाय पुटिंग टू हियर हाइड्रोजन एटम इज टू वन थ्री बट हियर नंबर ऑफ हाइड्रो आइटम इज ऑनली टू सो वी हैव टू चेक हि बैलेंसिंग सोडियम एटम टू एन एस मीन्स टू एटम ऑफ हाइड्रोजन है इधर और एस टू एस ओफ फोर में दो एटम हाइड्रोजन के हैं दो, दो चार हो गए इधर तो यहां पर चार हाइड्रो आइटम तभी होंगे जब यहाँ पर हम टू लगाएंगे इसलिए एक्सन ये ऑलरेडी बैलेंस क्वेश्चन नंबर नाइन

नो थ्री का एक आयन है यहाँ पर टू आयन है तो यनो थ्री आयन को बैलेंस करने के लिए यहां पर टू लगाना पड़ेगा टू लगाने से ए जी के टू एटम्स हो गए जबकि यहां पर एक एटम था एजी का इसलिए यहां पर टू लगाना पड़ा क्वेश्चन नंबर इलेवन ए एल प्लस यू सी एल टू गिव्स ए एल सी एल थ्री प्लस सी यू वी हैव टू सी हियर सी एल टू यर नंबर ऑफ आइटम आप सी एल इज टू या थ्री देन वी हैव टू थ्री मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर टू करेंगे वहाँ पर थ्री टू या सिक्स यहाँ थ्री लगाएंगे यहाँ पर टू लगाएंगे तो नंबर ऑफ क्लोरिन आइटम विल बी इक्वल टू सिक्स जब यहाँ पर टू लगा देंगे तो एलमोनियम टू हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एलमोनियम वन था इसलिए यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पर थ्री लगाया था नंबर ऑफ क्लोरिन क्लोरिन एटम को बैलेंस करने के लिए तो थ्री लगाने से सी यू थ्री हो गया इधर सी यू अभी एक एटम है इधर थ्री लगाने पर सी यू का थ्री एटम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर केमिकल रिएक्शंस आई यू हैव बैलेंस्ड इट सेवेंटीन ऑप्शन देखिएन सी ही देर इज टू एटम ऑफ सी एल टू एटम ऑफ सी एल दैट इज इन प्रोडक्ट साइड देर इज फोर एटम ऑफ सी एल बट इन रिएक्टेड साइड there is only one atom of Cl, so we have to put 4 in front of Cl, then it becomes 4Cl. By putting 4 in front of Cl, number of hydrogen atom will become 4, but here number of atom of hydrogen is only 2, so we have to put 2 in front of s 2 then reaction will be balanced. डिग्री स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू डिस्कस यफ ही प्लस यस टू हो गिवस यफी थ्री ओ फोर प्लस एस टू इन दिस रिएक्शन वी य सी हियर देर इज थ्री एटम ऑफ आयरन बट हियर एटम ऑफ हाइड्रोजन इज ऐटम ऑफ आयरन इज ओनली वन सो बाई बैलेंसिंग द यफी फ्रॉम प्रोडक्ट साइड वी हैव टू पुट हियर थ्री देन आयरन विल बी बैलेंस but we see here oxygen atom is four so we have to put four here for balancing oxygen atom by putting four in front of s2 number of hydrogen atom becomes eight hydrogen atom yahan par eight ho jayega jiski wajah se yahan par four lagayenge to four two ja eight यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सभी एलिमेंट्स के एटम की संख्या इक्वल जब तक नहीं आती है तब तक रिएक्शन अनबैलेंस कहा जाएगा कोई भी रिएक्शन बैलेंस है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का इक्वल होगा यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर एटीन थ्री एफ फी प्लस फोर एस टू गिव्स एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एस टू इन लेफ्ट साइड रिटाइड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इज थ्री इन दिस रिएट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो फोर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज फोर टू जय एट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज फोर टू जाए दिसक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस डियर स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू बैलेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यू कैन सी हेयर एन ए टू जेड ए नोट टू हेयर एन एज to is one so you have to put here two so i understand that you now you have clear concept regarding balancing of chemical reactions these chemical reactions are the very important questions which was come into the CBC body examination. So, I have to discuss today. So, practice these chemical reactions very well. Thank you very much.